दोस्तों नमस्कार, स्टेट जॉब लाइन में आपका स्वागत है। जी हां दोस्तों, एसएससी जीडी की आंसर की एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आज 30 अप्रैल को अब से कुछ देर पहले ही जारी की गई है। और दोस्तों अब आपको अपनी आंसर की दोबारा से डाउनलोड करके देखनी है, क्योंकि अब जो आंसर की आप देखेंगे वो बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की होगी। एसएससी ने खुद लिंक जारी किया है और जो आंसर की आपने पहले डाउनलोड की थी वो लिंक लीक हुआ था, तो आपको दोबारा अपनी आंसर की डाउनलोड करनी है। और दोस्तों तो अब आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो। जी हां दोस्तों, हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं। उससे पहले फटाफट से चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को ऑन कर दो, ताकि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अब दोस्तों देखिए, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आज ये नोटिस आया है। सबसे पहले तो नोटिस देख लीजिए कि इसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों यहां पर नोटिस में बताया गया कि एसएससी जीडी की आंसर की आ गई है, जो एग्जाम 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक हुई थी। और अब आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आज 30 अप्रैल 2019 से आज से ऑब्जेक्शन शुरू हो गए हैं, और 5 तारीख तक यानी 5 मई तक आप इसके लिए ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। 5 मई के शाम के 6 बजे तक ऑब्जेक्शन लगाने की विंडो खुली है। और यहां बताया गया कि आपको अपनी आंसर की रोल नंबर द्वारा और पास नंबर द्वारा यानी कि अपनी डेट ऑफ बर्थ के द्वारा देखनी है। अब दोस्तों आपको बता देते हैं कि आप अपने आंसर की कैसे देख सकते हो। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल के स्पेस का लिंक दिया गया है, या आप गूगल पर जाकर सर्च करो स्टडी जॉब लाइन, फिर सबसे ऊपर ही ऊपर studyjobline.com वेबसाइट आएगी, आप इसे खोल लेना। वेबसाइट खोलते ही ऊपर आपको 8 बड़े बॉक्स नजर आएंगे, इनमें से एक ऐसा है जीडी आंसर की का, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आपके सामने अगली पोस्ट खुल जाएगी। अब आपको यहां पर देखिए एक सारणी सी दिखाई देगी मात्र एक लाइन की, इसमें एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड आंसर की, क्लिक हियर। अब आप जैसे इस क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे ऑफिशियल आंसर की के पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे, या फिर अगर आपको नोटिस देखना है तो नीचे आपको नोटिस डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। अब आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है और आपके सामने लॉगिन विंडो आ जाएगी। और दोस्तों आपको इसमें अपना रोल नंबर टाइप करना है और नीचे डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है। अब हम आपको उदाहरण के तौर पर किसी एक विद्यार्थी की टाइप करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए, यहां पर हमने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ में पासवर्ड टाइप कर दिया है। अब आपको दोस्तों लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, फिर देखिए आपके सामने आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक ऑप्शन आंसर की डाउनलोड करके देखने का, दूसरा ऑप्शन ऑब्जेक्शन लगाने का। देखिए सबसे पहले तो इस प्रकार से एक विंडो आएगी, इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप इसको नीचे जाएं और क्लोज के बटन के ऊपर क्लिक करके बंद कर दें। अब देखिए दो ऑप्शन है, एक तो है क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की, फिर इसके साइड में है ऑब्जेक्शन व्यू, तो हमें आंसर की देखनी है तो इसके साइड में आपको नीचे क्लिक हेयर डाउनलोड करने का बटन दिखाई दे रहा होगा। अब आपको दोस्तों इस हेयर के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपकी आपकी जो आंसर की है वो डाउनलोड हो जाएगी और आप अपने आंसर की में अपने नंबर मिला सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर डाउट हो तो आपको ऑब्जेक्शन व्यू जो आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे क्लिक हेयर आएगा, अब आप इसके ऊपर क्लिक कर देना और फिर से आपको अपना रोल नंबर पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा, तो अपना रोल नंबर और पासवर्ड दबाओ और आगे एक क्वेश्चन के लिए, अगर आप किसी भी एक क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन के 100 रुपए देने होंगे। मान लो दो क्वेश्चन को अगर आपने चैलेंज किया तो 200 रुपए देने होंगे। इस प्रकार से आप पेमेंट करो और किसी भी क्वेश्चन के ऊपर जो भी आपत्ति है वो दर्ज करवा सकते हो। दोस्तों ये थी आपके लिए बड़ी खबरें, आपको अपने आंसर की देखनी दोबारा जरूर है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आज ही जारी हुई है। जो लिंक आपने पहले देखा था वो लीक हुआ था और हो सकता है उसमें आंसर की कुछ अलग हो, तो फटाफट से जाइए studyjobline.com वेबसाइट पर और अपने आंसर की डाउनलोड करो, और कमेंट करके जरूर बता के जाना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, टोटल आपके कितने नंबर बने, ये बात कमेंट करके बता दो। और ऑब्जेक्शन लगाना है तो कमेंट करके बताना, हो सकता है हम आपके लिए दूसरा अलग से ऑब्जेक्शन लगाने का वीडियो बना दें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और ऐसे ऐसे जीडी कांस्टेबल से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।